प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 में विषय भूगोल का परीक्षा अभी होना बाकी है और उसके लिए चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने पहले के चैप्टर को देख लिया है। इस चैप्टर में हम लोग मानव विकास से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और भूगोल के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। ये मैंने गेस्ट पेपर से तैयार किया है, एक दो क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो जाए। मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ इसीलिए भूगोल पर थोड़ा सा पकड़ कम है, तो मैंने वहाँ से इसको टाइप करके लिख लिया है और उसी से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार विकास का संबंध होता है, तो ये आपका होता है संरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि करने से। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, तो वो है शिफ्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का होना। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना कहलाता है, तो वो कहलाता है सशक्तिकरण। मानव विकास के संदर्भ में उत्पादकता का संबंध है, तो ये संबंध है आपका मानवीय कार्य क्षमता में वृद्धि करना। अगला है, प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ी के लिए अवसरों तथा विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, यह कथन मानव विकास की किस एक कल्पना से संबंधित है, तो यह है सतत, यहाँ धारणीय होना चाहिए, धारणीय होगा या सतत संसनीयता लिखा हुआ है, यहाँ धारणीय भी हो सकता है। अगला है, निम्न में से मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, तो ये हो जाएगा आय उपागम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव विकास के निम्न में से किस उपागम को प्रस्तावित किया, तो ये किया आपका क्षमता उपागम को। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास रखता है, तो नीदरलैंड। मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमृत सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो आधारभूत आवश्यकता उपागम। निम्न में से किस विद्वान ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता की वृद्धि अथवा परतंत्रता की कमी के रूप में देखा, तो ये है आपका इनमें से कोई नहीं, मतलब महबूब उल हक है, रामनाथन है, अमृत सेन है, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है। वह विकास जो लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाता है तथा उनके जीवन स्तर को सुधारता है कहलाता है, तो वो कहलाता है मानव विकास। निम्नांकित देशों में से कौन से देश में उच्च मानव विकास कोटि है, तो मलेशिया। निम्नलिखित लक्षणों में कौन मानवीय विकास का माप नहीं है, तो यहाँ आपका हो जाएगा उपभोक्ता व्यय। 14 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो गरीबी निर्धारण में सकल कुशलता अनुपात GWI को सम्मिलित करने का मुख्य समर्थक है, तो अमृत सेन हो जाएगा। एक प्रदेश के सामाजिक आर्थिक उन्नयन का महत्वपूर्ण सूचक है, तो महिला साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और निम्न मृत्यु दर। मानव संसाधन का विकास मुख्य रूप से आवश्यक है क्योंकि लोग प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, तो यहाँ आपका द आंसर है प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में मानव विकास सूचकांक धनात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है सिवाय, तो उप सहारा अफ्रीका के। किस देश ने विकास हेतु एक देश दो पद्धतियां सिद्धांत अपनाया, तो वो चीन। अब अगला आपका चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं से, तो निम्न में से प्राथमिक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित नहीं है, तो हो जाएगा विनिर्माण उद्योग। दूसरा है, भोजन संग्रह का कार्य निम्न से किस एक क्षेत्र में नहीं किया जाता है, तो अमेजन बेसिन। याक नामक पशु पाला जाता है, तो उत्तरी अफ्रीका में। च्युइंगम को चूसने के पश्चात शेष बचे भाग को कहा जाता है, तो गोंद। स्थानांतरणशील कृषि को लंदाग कहा जाता है, कहाँ पर, तो ब्राजील में। निम्न में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है, तो सोयाबीन। विकासशील राष्ट्रों के चावल उत्पादक प्रदेशों में गहन जीवन निर्वाह कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है, तो यहाँ प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है।
पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है तो मिश्रित कृषि में। निम्नलिखित में कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? तो फल व सब्जी की कृषि। ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में निम्न में से कौन सा देश विशिष्टीकरण रखता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा बेल्जियम। रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है तो कोलखाहोज। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि जानी जाती है तो रोका के नाम से। निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चेना थाईलैंड। निम्न में से कौन सी गहन निर्वाह कृषि की विशेषता है? तो यहाँ हो जाएगा प्रति एकड़ उच्च उपज किंतु प्रति व्यक्ति कम उपज। निम्न राज्यों में कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में स्थित नहीं है? तो उटाह। लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? तो प्राथमिक व्यवसाय। निम्न में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ हो जाएगा उच्च उत्पादक दर। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में निम्न में से किस देश का प्रथम स्थान है? तो USA। निम्न में कौन सा गहन निर्वाह धान कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? तो नील घाटी व डेल्टा। निम्न में से किस कार्य समूह को स्वर्ण कॉलर कर्मचारी के रूप में विहित किया जाता है? तो यहाँ है आपका सही आंसर, सरकारी व निजी दोनों सेवाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य शीर्ष प्रबंध कार्यकारी को। अगला है, USA की मक्का पेटी की पश्चिमी सीमा का निर्धारण किया गया है तो 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा द्वारा। निम्न में कौन सा एक विश्व का कृषि प्रदेश नहीं है? तो सिंचित सघन कृषि प्रदेश। किस कृषि में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है व्यापारिक कृषि। निम्न में कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो सवाना। निम्न में कौन सा एक सम्मेलित नहीं है? तो यहाँ होगा सुमेलित, यहाँ सुमेलित होना चाहिए, सुमेलित नहीं तो परांगवे। निम्न में कौन सा देश चावल क्रांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो फिलीपींस हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदल कर उसे मूल्यवान बनाती है तो कौन? द्वितीयक क्रियाएं। किसी भी वस्तु का उत्पादन कहलाता है तो विनिर्माण। निम्न में से आधुनिक निर्माण की विशेषता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, अधिक पूंजी, अत्यधिक विशिष्टीकरण, उपयुक्त सभी। निर्माण की सबसे छोटी इकाई है कुटीर उद्योग। उद्योग की सफल स्थापना होती है तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थान पर। निम्न में कौन सा धात्विक उद्योग है? तो लौह इस्पात उद्योग। धुएं की चिमनी वाला उद्योग है तो वस्त्र उत्पादन। निम्न में से किस यूरोपीय देश में रूर कोयला क्षेत्र स्थित है? तो जर्मनी। सिलिकॉन घाटी स्थित है न्यूयॉर्क के समीप। निम्न में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहलाता है? पीटर्सबर्ग। जापान का निम्न में कौन सा औद्योगिक प्रदेश कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांटो। कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली की उच्च तकनीकी फार्म की अवस्थिति में निम्न में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो समूहन अर्थव्यवस्था। परिवहन लागत की वस्त्र उद्योग के स्थान निर्धारण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है क्योंकि इसका सही आंसर है कपास एक शुद्ध सामग्री है जिसका वजन उससे तैयार उत्पाद के करीब करीब समान होता है। फिर है, निम्न में से किस पेशे को द्वितीयक कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो बढ़ई। आर्थिक दृष्टि से जापान का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है? तो कांटे। फ्रांस का टोलूज औद्योगिक प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो विमान के लिए।
जापान विश्व की अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस। ब्लैक कंट्री के नाम से विख्यात औद्योगिक प्रदेश है तो मिडलैंड। निम्न में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को। सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए निम्न में कौन सा तत्व अधिक आदर्श तत्व है? तो कच्चे माल की समीप उपलब्धता। निम्न में कौन सूती वस्त्र उद्योग का अग्रणी क्षेत्र है? तो लंकाशायर क्षेत्र। तो बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।